हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं को घर द्वार पर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, जिसके लिए उद्योग विभाग ने भी कमर कस ली है। हमीरपुर जिला के 3 क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की जिला उद्योग विभाग ने सरकार को प्रपोजल भेजी है। ये जानकारी जिला उद्योग विभाग के अधिकारी विजय चौधरी ने दी। हमीरपुर जिला में युवाओं के छोटे उद्योग स्थापित करने के बढ़ते रुझानों को देखते हुए जिला उद्योग विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ाते हुए 3 नए क्षेत्रों को चयनित किया है, जिसके लिए भूमि का चयन कर प्रदेश सरकार को इन्हें विकसित करने के लिए प्लान तैयार कर प्रपोजल भेजा गया है। विभाग ने जिला हमीरपुर के नदौन के जलाड़ी के साथ लगते क्षेत्र रीट में 88 कनाल भूमि चयनित करके प्रदेश सरकार को प्लान तैयार कर भेजा है। वहीं सुजानपुर के पन्हों के समीप भी भूमि का चयन कर लिया गया है, जिसमें उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा जाएगा। विभाग ने जाहू में 58 कनाल भूमि को भी चयनित कर प्लान तैयार किया जा रहा है। जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी ने बताया कि रिट में चयनित भूमि को विभाग के नाम करवा लिया गया है और प्लान तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही बजट की स्वीकृति मिलेगी, वैसे ही चयनित भूमि पर प्लॉटों को विकसित करने के अलावा सड़क व अन्य सुविधाओं पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पन्हों में पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते केंद्र सरकार से इसकी बड़े प्रोजेक्ट को उद्योग स्थापित करने की बात की है। साथ ही जाहू में 58 कनाल भूमि का भी चयन किया गया है। अभी तक हमारे पास 3 जगह जो इंडस्ट्री एरिया थे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैसे इंडस्ट्री एरिया हमीरपुर है, वहाँ हमारे पास छोटा सा एक इंडस्ट्री एरिया है, इसमें 9 शेड है और 23 प्लॉट के आसपास है, लेकिन वहाँ कोई भी प्लॉट ना तो खाली है ना ही शेड खाली है। और इसी तरह नदौन कोहला गांव में भी, वहाँ भी हमारे एक छोटा सा इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ 10 शेड हैं और 13 प्लॉट्स हैं, वहाँ भी हमारे पास एट प्रेजेंट कोई भी मतलब प्लॉट या शेड खाली नहीं है, वो सभी लगे हुए हैं। एक ख्याल वाकड़िया में भी एक छोटा सा एरिया मतलब चयनित किया गया था और उसको हमने डेवलप करा के वहाँ 2 प्लॉट ही बन पाए हैं और दोनों प्लॉट हमने अलॉट कर दिए और दोनों प्लॉटों में इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा हमने फिर नए यूनिट लगवाने के लिए नए जगह एक्सप्लोर करी थी, जिसमें हमने रिट नदौन जलाड़ी के पास हमने एक बड़ा अच्छे एरिया हमें मिला हुआ है, वहाँ लगभग 88 कनाल जगह है जो हमने इंडस्ट्री के लिए चयनित की हुई है और इसका सारा मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद हमारे नाम पे ये ट्रांसफर हो गया और अभी इसकी डेवलपमेंट प्लान बनाई जा चुकी है और साथ ही जैसे जैसे डेवलपमेंट की एस्टिमेट्स हमने भेजे हुए हैं उनका जैसे पैसा आ जाएगा तो हम SPSIDC या फिर PWD के थ्रू इसको डेवलप कराएंगे, जिसमें सड़क का निर्माण होगा, बिजली का और पानी का बंदोबस्त किया जाएगा, उसके बाद इसमें अलॉटमेंट चालू की जाएगी। इसके अलावा एक गांव पन्हों में हमने कुछ एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है तो उसको डेवलप करना मतलब हमें इतना ये नहीं लगा है कि हो पाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर वहाँ लगाना चाहे तो उसके लिए हम इसको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे। एक जाहू में भी इसमें जो है वो एक प्रकरण है जो हम इसमें प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लगभग 58 कनाल जगह जो है वो उसको लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो वो भी उसका भी प्रकरण हम प्रोसेस कर रहे हैं। महाप्रबंधक विजय चौधरी ने बताया कि विभाग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत अब तक 50 केसों को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में गत वर्ष 65 केसों को स्वीकृति दी गई थी, जबकि इस वर्ष 182 केसों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिला में युवाओं का रुझान MSME की ओर बढ़ा है। MSME में जो माइक्रो यूनिट्स लगाने के लिए हम एक तो स्कीम्स भी हमारे पास काफी हैं, जैसे PMEGP स्कीम है हमारे पास, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना स्कीम है, तो PMEGP स्कीम में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार हमने 49 केसेस को स्पॉन्सर किया है और वहाँ भी मतलब लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। इसी तरह जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, वहाँ पिछले साल हमारे पास सिर्फ 65 केस हमने किए थे, इस 2020-21 में हमने वहाँ 182 केसेस को लोन दिलाए हैं, तो इसका मतलब लोगों का युवाओं का स्पेशली रुझान जो है वो बढ़ रहा है आगे मतलब इंडस्ट्री लगाने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो ये स्कीमें मतलब और इसमें मील का पत्थर साबित हो रही है।